ट्रैफिक कंडीशन में फिल्टर करने के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वाइब्रेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत फील आएगा फुट पे एंड टैंक पे। जब जाओगे ना एन 250 पे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है जो डोमिनर 250 आपको प्रोवाइड करता है, 65 प्लस है। सोचो बस ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइस देख पा रहे हो फाइनली आप लोगों के सामने खड़ी हुई है न्यू बजाज पल्सर डोमिनर 250 2024 एडिशन। सो अगर आप लोग इस बाइक को बाइक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, इसका क्या अपडेट ऑन रोड प्राइस है और आप लोग फाइनेंस पे लेना चाहते हो कितना लोएस्ट डाउन पेमेंट बाइक कर सकते हो, पर मंथ कितने ईएमआई भरना पड़ेगा, क्या क्या अपडेट हुआ है, टॉप स्पीड माइलेज एंड लास्ट में मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ब्रेकिंग कैसा है, परफॉर्मेंस आप लोग कैसा मिलेगा, सस्पेंशन सेटअप कैसा है, सीट कंफर्ट आप लोग कैसा मिलेगा एंड किस राइडर को इस बाइक को बाई करना सही डिसीजन होने वाला है, मैं हर एक पॉइंट आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो 250 सेगमेंट के अंदर इंडियन मार्केट पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन जो डोमिनर 250 है ना गाइस बहुत ही डिफरेंट मशीन है। सो आज हम लोग इस बाइक के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, आप लोगों को पता ही क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं सीधा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन आप लोगों के सामने खड़ी हुई है बजाज डोमिनर 250 2024 मॉडल। तो चलो गाइस पहले प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ऐसा कुछ हम लोग की प्रोवाइड करते हैं डोमिनर का ब्रांडिंग के साथ, वेव की है गाइस नॉर्मल की देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रंट के साइड पे छोटा सा विंडशील्ड मिलता है, सिक्योरिटी डोर पर इधर फिट होता है। जो डोमिनर 400 है ना उस पर आप लोगों को लॉन्ग विंडशील्ड मिलता है, लेकिन 250 पे वैसा नहीं है। सो इग्निशन ऑन करते ही गाइस फ्रंट के साइड पे एलईडी डीआरएल जो है वो ऑन हो जाता है एंड फुल्ली स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप प्रोवाइड करता है। नाइट के टाइम पे अच्छा खासा विजिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड डोमिनर 250 पे आप लोगों को एलईडी इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। होप्सो 2025 पे जो मॉडल लॉन्च होगा ना उस पर आप लोगों को कंपनी जो है हैजर्ड प्रोवाइड कर देगा। सो फ्रंट के साइड पे 37mm डायमीटर के साथ अपसाइड डाउन सस्पेंशन प्रोवाइड करता है एंड जो डोमिनर 400 है उस पर आप लोगों को 43mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन प्रोवाइड करता है। सो फुल्ली सिल्वर कलर कोटिंग के साथ है एंड बाइक का जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ना सिल्वर एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, जिसके वजह से लुक्स और भी ज़्यादा इनहेंस एंड बढ़िया रोड प्रेजेंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। डुअल थीम कलर टोन के साथ मडगार्ड है, फुल्ली रेड ग्लॉसी एंड ब्लैक मैट। सो फाइबर का इधर पे मडगार्ड मिल जाएगा, डायमंड कट अलॉय व्हील आप लोगों को डोमिनर 400 पे देखने को मिलता है, लेकिन 250 पे आप लोगों को नॉर्मल से अलॉय व्हील 100/80 सेक्शन की ट्यूबलेस स्टार 7 इंच का अलॉय व्हील। सो ऐसा कुछ टायर प्रोफाइल प्रोवाइड करता है एंड अलॉय के ऊपर रिम स्ट्रिप वगैरह आप लोग नोट कर पा रहे हो। एंड 600mm का लार्ज रोटर प्रोवाइड करता है विथ डुअल चैनल ABS वाइब्रेक के कैलिपर देख पा रहे हो। डुअल चैनल ABS इस वाले मॉडल पर अपडेट हो चुका है, ये भी एक गाइस बढ़िया चीज है। इससे फायदे ही गाइस आप लोगों को जब हाई स्पीड राइड करोगे ना अच्छा खासा ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। सो रियर के साइड पर 230mm का रोटर प्रोवाइड करता है, नॉर्मल सी रोटर है गाइस, पैरेलल डिस्क नहीं है। इधर पे वाइब्रेक का कैलिपर आप लोग नोट कर पा रहे हो। 130/70 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर 7 इंच का अलॉय व्हील। सो रियर टायर प्रोफाइल गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा। सो ओवरऑल अगर लुक के साथ कंपेयर करते हो सो अच्छा खासा फैट टायर ही आप लोगों को प्रोवाइड करता है। स्प्लिट एलईडी टेल लैम्प ओल्ड लुक के तरह ही मिलता है, एलईडी इंडिकेटर सिक्योरिटी डोर पे इधर फिट होगा एंड वहाँ पे लाइट जो है वो भी गाइस एलईडी है। मडगार्ड का डिजाइन एंड लुक्स पे कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा एंड छोटा सा एक रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। सो इस बाइक का रियर से लेकर फ्रंट तक जो लाइट सेटअप है ना वो फुल्ली एलईडी प्रोवाइड करता है। टैंक के ऊपर डोमिनर का 3D एम्बलेम, इसके लिए लुक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एंड डुअल टोन कलर थीम है, रेड ग्लॉसी एंड सिल्वर कलर कोटिंग के साथ ग्राफिक्स, कंपनी फिटेड ऐसा कुछ टैंक पैड आप लोगों को प्रोवाइड करता है। सो 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, फाइबर का फ्यूल टैंक है, इधर पे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन देख पा रहे हो। माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्स 32 से 35 तक आप लोगों को माइलेज प्रोवाइड कर देगा। साइड जो पैनल है ब्लैक एंड सिल्वर कलर कोटिंग के साथ है, ये जो पार्टी है फुल्ली फाइबर के साथ है एंड जो सीट के बगल में काउल है ना उधर पे D250 का ब्रांडिंग मिल जाएगा। ये जो पार्ट है ये भी गाइस फुल्ली फाइबर है, इधर पे स्प्लिट गैबरेल प्रोवाइड करता है। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब हार्ट के बारे में। सो BS6 कॉम्बाइंड OBD2 एंड Phase 2 का अपडेट के साथ फ्यूल इंजेक्टेड 4 वाल्व एंड लिक्विड कूल इंजन प्रोवाइड करते हैं। इधर पे रेडिएटर देख पा रहे हो, सो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक रेडिएटर आप लोग प्रोवाइड करता है विथ स्लीपर क्लच, मतलब अगर आप लोग हाई स्पीड पे गियर डाउन वगैरह करते हो ना हाई रेव करके आप लोगों को वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं आएगा एंड स्मूथली गियर शिफ्ट आप लोग कर पाओगे इस स्लीपर क्लच की वजह से। एंड DTS टेक्नोलॉजी इस वाले मॉडल पर नहीं है, मिसिंग है, मतलब ट्विन स्पार्क या ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी इस वाले मॉडल पर नहीं है। सो DTS का लोगो भी आप लोग इधर पे देख पा रहे हो नहीं है।
248.8 सीसी एंड पावर प्रोड्यूस करता है 26.63 बीएचपी एट द रेट 8500 आरपीएम एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 23.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 आरपीएम। सिक्स गियर ट्रांसमिशन आप लोगों को इस वाले मॉडल पर देखने को मिल जाएगा। हिल का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टोक ऑप्शन है। नया इंजन है एंड इधर पे इंजन काउल आप नोट कर पा रहे हो मैट ब्लैक के ऊपर ग्रीन कलर का स्टिकरिंग। सो ये जो कलर थी मैं ना इंडियन मार्केट पे बहुत सारा कस्टमर बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, जिसके वजह से मैं इस बाइक के ऊपर रिव्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड ओवरऑल कार्गो वेट है 180 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग प्रोवाइड करता है 157 mm। सो चलो ये बात करते हैं सीट के बारे में। पहले का सीट हाइट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 800 mm का सीट हाइट है। स्प्लिट सीट है, इधर पे डोमिनर का ब्रांडिंग नोट कर पा रहे हो। कुशनिंग गाइस मीडियम सॉफ्ट, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, लेकिन पिलियन सीट अच्छा खासा आप लोगों को हार्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इस वाले मॉडल पे ना अपडेट हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। अभी आप लोगों को न्यू डोमिनर 250 पे फाइनली गियर पोजिशन इंडिकेटर प्रोवाइड कर दिया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सब कुछ नहीं है, आरपीएम मीटर देन स्पीड गियर पोजिशन इंडिकेटर क्लॉक ऑडोमीटर, इधर पे दो छोटे बटन मिलता है जिससे आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। ट्रिप ए ट्रिप बी डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब बाइक में जितना पेट्रोल है उस हिसाब से कितना किलोमीटर चल पाएगा वो भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर ही प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट ऑडोमीटर मिल जाता है। टैंक के ऊपर छोटा सा इधर पे और एक डिस्प्ले है जिसपे बजाज का लोगो, ABS, इंजन चेक लाइट, अपर डिपर ये सब कुछ मिलता है एंड इधर पे न्यूट्रल लो ऑयल इंडिकेटर एंड RPM जो लिमिट है ना उसका भी वार्निंग इधर पे आप लोग नोट कर पा रहे हो। ओल्ड मॉडल के तरह ही स्ट्रेट हैंडल बार है, इधर पे किल स्विच, हेडलाइट को ऑन ऑफ कर पाओगे देन सेल्फ एंड लेफ्ट साइड पे अपर डिपर पासिंग इंडिकेटर एंड हॉर्न। सो जो डोमिनर 400 है ना उस पे आप लोगों को इधर पे लार्ज विंडशील्ड देन मोबाइल माउंट करने के लिए हुक मिल जाएगा। क्रैश गार्ड वगैरह उस वाले मॉडल पे बढ़िया प्रोवाइड करता है, लेकिन इस मॉडल पे सिंपल सा लेग गार्ड ही मिलता है। देन डोमिनर 400 पे इधर पे पिलियन बैकरेस्ट देन छोटे से कैरियर भी आप लोगों को मिल जाएगा, इससे कुछ भी सामान वगैरह आप लोग कैरी कर पाओगे। अगर आप लॉन्ग टूर करते हो ना उस टाइम मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग डोमिनर 400 को बाई करो। एंड अगर आप लोग सिटी पे राइड करोगे एंड मंथ पे एक दो बार हाईवे पे राइड करोगे उस टाइम पे गाइस आप लोग डोमिनर 250 को बाई कर सकते हो। सो रियर के साइड पे मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है नाइट्रॉक्स का, जो मल्टीपल एडजस्ट आपके हिसाब से आप लोग कर पाओगे। सो डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। सो बाइक को करते स्टार्ट एंड गाइस आप लोगों को एग्जॉस्ट नॉट चेकआउट करवाता हूँ। ये जो है गाइस आइडल साउंड है, अभी रेव करके देखते हैं। इस मॉडल पे ना वो अच्छा खासा बेस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो डोमिनर 400 है ना उस पर और भी ज़्यादा थम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड इस मॉडल पे स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट का साउंड मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। एंड अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ इस वाले मॉडल पे साड़ी गार्ड मिलता है, लेडीज फुटप्रेस वगैरह नहीं है, ओपन चेन सेटअप है। सो 500 किलोमीटर के बाद चेन को क्लीन एंड लुक करने की ज़रूरत पड़ेगा। क्लीन राइडर फुटप्रेस के ऊपर रबर कोटिंग नहीं है, फुल्ली ब्लैक मैट फिनिश एंड रबर कोटिंग आप लोगों को राइडर फुटप्रेस के ऊपर देखने को मिलता है। ये भी गाइस फोल्डेबल है। सो इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे अपडेट हुआ है डुअल चैनल ABS, इंजन पे बदलाव आप लोगों को देख पा रहे हो, मतलब DTS टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत अपडेट इस वाले मॉडल पे आ चुका है। फ्यूल पंप वगैरह ECU वगैरह भी इस वाले मॉडल का चेंज हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग एंड फिनांस स्कीम, देन हम लोग राइड करने वाले हैं। सो इन कोलकाता डोमिनर 250 का अपडेट ऑन प्राइस है 2,22,990 rupees एंड मैं कोटक फिनांस का स्कीम बता रहा हूँ। लोएस्ट डाउन पेमेंट आ जाएगा 25,000 एंड अगर आप 3 ईयर के लिए लोन करते हो तो पर मंथ EMI भरना पड़ेगा 6,999 rupees एंड अगर आप 4 ईयर के लोन करते हो तो पर मंथ EMI भरना पड़ेगा 4,599 rupees। तो चलो मैं अभी डायरेक्ट आप लोग से मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। सो गाइस डोमिनर 250 को मैं जो है बाहर पे निकल दिया हूँ, अभी हम लोग लेने वाले टेस्ट राइड एंड मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। जो न्यू डोमिनर 250 है वो ऑन रोड पे राइड करने के टाइम पे कैसे आप लोगों को फील आता है। सो मेरा हाइट है 5.10 feet, दोनों तरफ पैर मेरे आराम से पहुँच रहे हैं, 5.5 या 5.6 का बंदा आराम से राइड कर पाओगे। टैंक जो है ना ह्यूज है, थोड़ा सा लीन होना पड़ता है क्योंकि हैंडल ब्रॉड है, टैंक मस्कुलर है एंड टैंक से ना हैंडल थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। सो पहले मैं इस GoPro मोड पर आप लोगों को एग्जॉस्ट नॉट चेकआउट करवा देता हूँ। बेस आप लोग अच्छे से प्रोवाइड करता है। सो डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, इसके वजह से साउंड बढ़िया है।
सो सिटिंग पोस्चर की बात करूँ, फुटपैक्स थोड़ा पीछे की तरफ है, आप लोगों को 10% जो है ना सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन अपराइट है सिटिंग पोस्चर। अगर थोड़ा हाइट शॉट बंदा राइट कर गया उस टाइम पे आप लोगों को और भी ज़्यादा झुक के बैठना पड़ेगा। पावर इस बाइक का बहुत ज़्यादा मस्त है। अगर आप लोग डेली कम्यूट करोगे एंड 250 सेगमेंट के अंदर कोई बाइक ढूंढ रहे हो, सो उस टाइम में मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग M250 को बाइक करो। वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट वेट है, आप लोग ट्रैफिक कंडीशन पर आराम से फिल्टर वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो डोमिनार 250 है उसका हैंडलिंग थोड़ा सा हैवी है, पावर आप लोग अच्छा खासा प्रोवाइड करता है लेकिन एक सडन RPM के बाद प्रोवाइड करता है, मतलब 5000 RPM के बाद आप लोगों को एक अलग ही पावर पे पंच फील आएगा। पूरा बाइक का जो पावर रिस्पॉन्स है पूरा ही गाइस चेंज हो जाता है 5000 RPM के बाद। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, ट्रैफिक कंडीशन में फिल्टर करने के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन M250 पे वैसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। हैंडलिंग बहुत लाइट है एंड पावर रिस्पॉन्स एकदम, मतलब कम RPM पे भी आप लोग अच्छा खासा पावर प्रोवाइड कर देता है M250। एंड डोमिनार 250 ना थोड़ा सा हेवी फील आप लोग आएगा अगर आप डेली कम्यूट करोगे उस टाइम पर थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड करना चाहते हो उस टाइम पर आप लोग डोमिनार 250 को बाइक कर सकते हो। ऐसा कुछ हॉर्न है, वाइब्रेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत फील आएगा फुटपैक्स एंड टैंक पे, जो M250 पे लो RPM पे तो उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा, लेकिन अगर हाई रेव करते हो ना M250 पर भी लोगों को वाइब्रेशन फील आएगा। लेकिन डोमिनार 250 पे लो RPM पे मैं राइड कर रहा हूँ अभी, 3000-4000 RPM पे राइड कर रहा हूँ, इस RPM पर भी मुझे अच्छा खासा फुटपैक्स एंड टैंक पे वाइब्रेशन फील आ रहा है। एंड इस कलर को ना इंडियन मार्केट में बहुत सारा कस्टमर बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, डिफरेंट कलर है, आई कैची है, लोग मुड़ मुड़ के देखता है इस कलर को, क्योंकि दूसरा कोई ब्रांड पे ऐसा कलर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एंड आप लोगों को पता ही है गियरबॉक्स इंडिकेटर प्रोवाइड कर दिया है। सो सीट मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, आप लोग आराम से दो बंदे राइड कर पाओगे। पावर बहुत ज़्यादा मस्त है, टोटल देते ही ना बाइक बहुत ही स्टेबल है, ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। M250 पे ना ऐसा स्टेबिलिटी आप लोग नहीं प्रोवाइड करता है, 85-90 जब जाओगे ना M250 पे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है जो डोमिनार 250 आप लोग प्रोवाइड करता है। क्लच गाइस बटन स्मूथ आप लोग एक फिंगर से कर सकते हो, गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, उतना ज्यादा हार्डनेस मुझे कुछ भी फील नहीं आ रहा है, मिरर पे वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, पीछे का व्यू आप लोग अच्छा खासा प्रोवाइड कर देता है। सो डुअल चैनल ABS है, हम लोग ब्रेक टेस्ट करके देखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा पावर अप कर लेते हैं पहले, 65 प्लस है, सो चलो बस ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। नाइस, फ्रंट एंड रियर दोनों का ब्रेक को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, सो फ्रंट ब्रेक पे आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया बाइक प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू रियर ब्रेक। एयर ब्रेक उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं लगता है, लग रहा है, लेकिन फ्रंट ब्रेक का बाइट ये देखो सिर्फ लीवर को पुल करोगे एंड ऐसा बाइट आप लोगों को मिलेगा। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है गाइस, लेकिन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी, स्लिक डिज़ाइन है, ट्रैफिक कंडीशन में फिल्टर कर सकते हो, लेकिन हैंडलिंग थोड़ा सा हैवी आप लोगों को फील आएगा अगर मैं M250 से कंपेयर करता हूँ। एंड ड्यूक 250 पर भी आप लोगों को अभी TFT डिस्प्ले वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन इस वाले मॉडल पे अभी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साउंड बढ़िया है गाइस, बेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड डोमिनार का फैन बेस थोड़ा डिफरेंट है इंडियन मार्केट पे,
तो गाइस आप लोगों को सस्पेंशन कटऑफ सेंसर भी मिलता है। अगर मान लो बाइक गियर पे है, जैसे सस्पेंशन को गिराओगे ऑटोमेटिक इंजन को किल कर देगा। ये भी एक गाइस सेफ्टी फीचर्स आप लोगों को डोमिनेट 250 पर प्रोवाइड करता है। सो मुझे गाइस पावर रिस्पांस बढ़िया लगा, देन ब्रेकिंग बढ़िया है, वाइब्रेशन थोड़ा बहुत है, स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट भी गाइस ओल्ड वाला मॉडल से इंक्रीज हो चुका है। ये कलर थी मुझे पर्सनली ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि डिफरेंट है, आई कैचिस ज़्यादा है। एंड इस पर आप लोगों को अभी ट्रिपल स्पॉक टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है, DTS टेक्नोलॉजी हट चुका है। सो ये तक आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर देना है। अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरीज जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सो बाय।